साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th और 12th NIOS का और होम साइंस का है। 10th और 12th वाले दोनों एक से तैयार, बुक्स तो दोनों हैं लेकिन मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए। ठीक है, तो हम इन नोट्स से पढ़ेंगे ताकि जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं डायरेक्टली हम उन्हीं की तैयारी करें, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम है आपके पास और जो है काम बहुत ज़्यादा है। तो मेन मेन जो क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह इसी में से आएंगे, आप इसी से तैयारी कर सकते हैं और 10th और 12th दोनों तैयारी में। प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। तो पहला सवाल इसके अंदर जो है वो ये है, शेल्फ लाइफ या काबिल इस्तेमाल ज़िंदगी क्या है। ग़िज़ा से रिलेटेड है ये सबक, तो उसमें ग़िज़ा से रिलेटेड ही बातें होंगी, ग़िज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले चीज़ों की बात है। आपने मुशाहिदा किया होगा यानी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि कुछ ग़िज़ाई अशिया जैसे हरी सब्ज़ियाँ टमाटर वगैरह, यानी हरी सब्ज़ियाँ और टमाटर वगैरह दीगर सब्ज़ियों जैसे आलू प्याज अरबी वगैरह के मुकाबले में तेज़ी से ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, ये वाली सब्ज़ियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे हरी सब्ज़ी है टमाटर है ये जल्दी, और जबकि आप देखिए आलू प्याज अरबी इनको कई दिन तक भी आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते। दूसरा है चावल दाल मसाले महीनों ख़राब नहीं। ठीक है, इसी तरह हर खाने पीने की चीज़ के इस्तेमाल के काबिल रहने के लिए ख़ास वक्त होता है। ठीक है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको इस काबिल रखेंगे वो खा सकें, एक वक्त होता है जिसके बाद वह ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, इसी मुद्दत को शेल्फ लाइफ या काबिल इस्तेमाल ज़िंदगी कहा जाता है। ठीक है भाई, मतलब इस काबिल हो कि उसे आप यूज़ में ला सकें तो वो काबिल इस्तेमाल यानी शेल्फ लाइफ कहते हैं। तो मेरा जहाँ तक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेल्फ लाइफ क्या होती है, जैसे कुछ चीज़ें, मतलब आपको मैं मिसाल देता हूँ, टमाटर है 2 दिन 3 दिन की उसकी लाइफ है, अगर आप इसने बीच में खा लिया तो शेल्फ लाइफ है, काबिल इस्तेमाल है, उसके बाद ख़राब हो जाए। इसी तरह फल है, फल में केला है 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, इसी तरह आम है 3 दिन 4 दिन, इसी तरह इसके बाद अगर हम उसे रखे रहेंगे तो वो गलना शुरू हो जाएगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा, यानी शेल्फ लाइफ ये है जब तक इस काबिल इस्तेमाल है, जब तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा सवाल है कि खुराक की हिफाजत से क्या मुराद है, मतलब खुराक की हिफाजत से आप क्या समझते हैं। तो इसका जवाब है, वो अमल जिसके ज़रिए खुराक खाने की क़लील या तवील मुद्दत के लिए ख़राब होने से महफूज रखा जाए उसे ही खुराक की हिफाजत कहते हैं। ठीक है, उसको इससे खाने को रंग जायका और ग़िज़ाई अज्जा भी ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहते हैं, ऐसी अमल को खुराक खाने की हिफाजत कहा जाता है। वो अमल जिसके करने से जो है खाना क़लील या तवील मुद्दत तक ख़राब होने से महफूज रह सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे दूध है, तो दूध को आप क्या कर सकते हैं भाई, उसे उबालें और जब थोड़ा मतलब नीम नीम ठंडा हो जाए तो उसे फ्रिज में रख दें तो क्या होगा, ख़राब होने से बच जाएगा। इसी तरह आपकी रोटी है, रात में बच गई एक आध रोटी, वैसे तो बचनी ही चाहिए, अगर बच गई तो आप उसे पैक करके फ्रिज में रख दीजिए, ठंडक से उसके ऊपर जो है वो ख़राब नहीं होगी। इसी तरह आपका खाना है उसे फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है, इसी तरह और भी चीज़ें हैं जिसे हम इस तरह बचा सकते हैं, और आपका अचार है उसमें तेल डाल दिए तो वो क्या होगा, उसकी मुद्दत ख़राब होने से महफूज रह जाएगा, इसी को खुराक की हिफाजत कहते हैं। उम्मीद है क्या कह रहा हूँ मैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है भाई, कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें आप, जो भी आपके समझ में नहीं आती हो बात कमेंट कर दिया करें और लाइक तो ज़रूर किया करें। तीसरा सवाल है कि घर में खाने पीने की अशिया यानी सामान को महफूज रखने के कितने तरीक़े हैं, मतलब वो कौन कौन से तरीक़े हैं जिसके ज़रिए घर में जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे आपका दूध हुआ, आपके फल हो गए, आपकी सब्ज़ियाँ हो गई, और जो भी खाने से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको किस तरह महफूज रख सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या तरीक़े हैं। तो इसका जवाब जो है बहुत ही अच्छा जवाब है कि खाने की अशिया को महफूज रखने के 4 तरीक़े, उन 4 तरीक़ों में सबसे पहला तरीक़ा जो दे रखा है वो है खुश्क करके, यानी आप चीज़ों को खुश्क कर लीजिए। एक जो है हमारे दोस्त थे वो कहीं गए थे तो वहाँ पे जो है ना दूध नहीं मिलता,
तो उन्होंने उनके जो हेड थे उन्होंने क्या दिया, उन्हें सूखा दूध दे दिया था, जिसकी वजह से जो है उन्हें जो है वो वहाँ पे परेशानी नहीं। अगर वो वैसा दूध लेके आते 4-5 दिन, बहुत दिन का सफ़र था, तो वो क्या हो जाता, खुश्क वो फट जाता, ख़राब हो जाता। लेकिन सूखा दूध था तो वो फटा नहीं, ख़राब नहीं हुआ। इसी तरह और भी चीज़ें जिन्हें खुश्क करके रखा जा सकता, कई कई दिन चलाया जा सकता है। दूसरा है दर्जा हरारत को कम करके, दर्जा हरारत को कम करके, दर्जा हरारत को कम करके, जैसे खाना है ख़राब हो जाएगा तो उसको दर्जा हरारत कैसे कम होगी, फ्रिज में रख दो, ठीक है। आपकी और भी चीज़ें हैं जैसे हम दर्जा हरारत में इजाफा करके, दूध है उबाल लीजिए आप उसे, दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाएगी और जो है वो ये खराब महफूज रहे, अशिया के इस्तेमाल करके। और सबसे चौथा तरीका तो यही है, 5th-4th तरीका कि भाई उस चीज़ को इस्तेमाल कर लो, वो ख़राबी क्या, वो तो बस यूज़फुल हो जाएगी, फिर ख़राब और बचाने की ज़रूरत ही नहीं, बस इस्तेमाल में ले आइए। अगला सवाल है कि नमक किस तरह मुहाफिज के तौर पे काम करता है, किस तरह प्रोटेक्शन देता है खाने को, नमक कैसे बचाता है चीज़ों से, ठीक है। तो देखिए अल्लाह ने क्या ज़रिया बनाया है इसको, उसको पढ़ते हैं। खाने में नमक की मकदार बढ़ने से इसकी साख्त बदल जाती है। ज़ाहिर बात है जब आप खाना खाते हैं अगर उसमें नमक ज़्यादा हो तो उसकी जो शक्ल व सूरत है बदल जाती है, उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकते, इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकते। और ये खुराक यानी खाने को ख़राब होने से बचाते हैं, जब उसमें वो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो ज़ाहिर बात है खाना हमारा सही रहेगा। नमक अचार चटनी डब्बा बंद खाने में बतौर तहफ़ के इस्तेमाल किया जाता है। नमक का इस्तेमाल आप देखिए अचार में, चटनी में, डब्बा बंद खाने जो मिलते हैं उनके अंदर क्या जाता है, हल्का सा ऊपर से स्प्रे भी कर देते हैं वो नमक का, ताकि जो है उसके ऊपर ख़राबी ना हो। मछली और इमली को महफूज करने के लिए नमक लगाया जाता है। जाहिर है देखिए आप गोश्त को नमक लगा देते हैं, मछली को नमक लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि उसको तहफ़ मिल जाता है, सड़ने से गलने से वो बच जाती है, जो इस खुराक को महफूज रखने में मददगार साबित होता है। बिल्कुल सही बात है, जब हम जो है उसमें नमक लगा देते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, महफूज हो जाती हैं और हम जो है उससे बच सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। उम्मीद है जो मैंने कहा आपके समझ में आ गया होगा, और जो है आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगला सवाल, 5वां सवाल देखिए आप, 5वां है, होम साइंस का ही है, क्लास सबक नंबर 5 है। तेल हिफाजती गिलाफ, ठीक है, कवर के तौर पर बहुत से काम अंजाम देता है, इसके दो फ़ायदे बताएं कि भाई तेल जो है किस तरह जो है हिफाजती गिलाफ है, किस तरह ये हमारी चीज़ को प्रोटेक्शन देता है महफूज। तेल ख़ास तौर पर अचार के लिए इस्तेमाल होता है, सही बात है। तेल के दो फ़ायदे दर्ज ज़ेल है, देखिए क्या क्या है। पूरे मादे यानी अचार वगैरह, जो भी मादा जो भी चीज़ वगैरह को तेल में डुबोने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस गजाई मवाद के साथ रब्त में नहीं आते। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो खाने को सड़ाने में, ख़राब करने में मदद करते हैं, तो वो उसके करीब नहीं आते, उसके साथ नहीं आते, तेल की उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से खाना आपका जो है क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से महफूज हो जाता है, उसके रबते में नहीं आता खाना, हवा के साथ रबते में नहीं आता। जाहिर बात है जब हवा लगती है तो खाने पे नहीं लगती बल्कि तेल पे लगती है, इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ सकते और खाना ख़राब नहीं होता। और जाहिर बात है जब तक उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जगह नहीं मिलेगी कहीं से आने की तो वो लगेंगे ही नहीं, ख़राब ही नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जगह बनाते हैं, अब तेल नहीं लगता, जहाँ तेल नहीं लगा होता उस जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब। आप देखिए कोई डबल रोटी वगैरह इन सब पे एकदम ख़राब आ जाते हैं, लेकिन आप तले हुए पीस देखेंगे उस पर एकदम नहीं आते। पानी की कमी से क्या मुराद है, पानी की कमी से क्या मुराद है, अगला सवाल है। पानी की कमी का मतलब है खाने की अशिया से पानी या नमी को हटाना, पानी या नमी को हटाना। बहुत सी सब्जियां हैं जो पानी की कमी का शिकार है, जाहिर बात है पानी की कमी जब हो जाती है तो चीज़ें सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, सब्जियां क्या इंसान भी ख़राब हो जाते हैं और वो भी बीमार पड़ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो 5-6 सवाल मैंने समझाए इस सबक नंबर 5 में समझ में आ गए होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बाकी भी वीडियोज़ हमारी देख सकते हैं और मैं इंशाल्लाह जो है आपके लिए प्रैक्टिकल भी सारे सब्जेक्ट के बना रहा हूँ,
और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनाऊंगा फास्ट तौर से उर्दू वालों के लिए। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें ताकि हमें हौसला अफजाई मिल जाए और हम आपके लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ नए वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया।